सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। तो मैं आज को एक और वीडियो के साथ जहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ी खबर लेकर आया हूँ। तो उसको सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है, क्या कहो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उस वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एज वेरिफिकेशन लिखा है उससे हम कैसे बच सकते हैं। एंड बहुत लोगों ने अब तक शायद कर दिया होगा, जिन बंदों ने नहीं कराया उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ही मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी आईडी को कुछ भी नहीं होगा एंड आप एज वेरिफिकेशन के बहुत ज़्यादा मजे ले सकते हो। तो सारी कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट तक बने रहना वीडियो के। एंड उसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे लाइक करो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात यहाँ पर ये करेंगे जो हमारा एज वेरिफिकेशन है। जैसे कि आपको पता ही होगा एज वेरिफिकेशन, इसमें कि हमें ये पूछा गया है, गिरिन वालों ने ये पूछा है कि भाई तुम 18 प्लस हो या 80 से कम एज के हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता दूं कि उसमें ये भी लिखा है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पे शेयर कर दी एंड मतलब आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है हमको कि आप 18 प्लस के आपने सिलेक्ट कर लिया बट आप उतने के हो नहीं, तो आपकी आईडी को सिंपली रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में कहो तो बैन कर दिया जाएगा। तो इससे आप कैसे बच सकते हो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो कैसे जाती है, सिंपल सी बात है। जो हमारी आपका कोई भी अकाउंट है, चाहे वो गूगल है चाहे वो फेसबुक है, अगर आपने जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है उसमें आपने लिख रखा है कि आप 18 प्लस हो या आप 18 से कम, और यहाँ पर आपने 18 माइनस ले लिया है, ठीक है, आप 18 से कम के हो और आपकी फेसबुक पे 18 प्लस है, तो यहाँ पर भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ये जाएगी कि आप 18 प्लस हो, जिससे कि आपकी आईडी को कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल शब्दों में अगर आपका फेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट 18 प्लस है, तो अगर आप 18 प्लस भी सिलेक्ट कर लोगे तो गरेना आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपने नहीं कर रखा है। तो गाइस कैसी लगी ट्रिक, अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरह। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट ये है, जो हमारा फ्री फायर इंडिया है उसकी प्री रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी है। तो काफी लोग बोल रहे हैं जो फ्री फायर की प्री रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है 404 मिलियन, यानी कि 40 करोड़। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं जो फ्री फायर की प्री रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है 40 मिलियन। तो यहाँ पर कौन सा रियल है कौन सा फेक है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो 404 मिलियन वाला है मैं गारंटेड कर सकता हूँ वो फेक है, क्योंकि गाइस अगर आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ फ्री फायर है अगर आप उसका टोटल भी करो तो भी 404 मिलियन नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्री फायर इंडिया है वो ओनली इंडिया के लिए, ठीक है, ओनली इंडिया के लिए। तो इंडिया के लोग भाई 404 मिलियन कैसे कर सकते हैं। हाँ 40 मिलियन वाला हम रियल मान सकते हैं, वो भी कोई कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली नहीं बोला गया है, तो आप इन सब पे विश्वास मत करो, ये सब फेक चीजें हैं। जब तक फ्री फायर हमें रियलिटी में नहीं बता देती कि हमने कितने प्री रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे फ्री फायर इंडिया के, तब तक यार इन सब पे विश्वास मत करो, ये आंकड़ा फैला रहे हैं व्यूज के चक्कर में। एंड मैं आपको सिंपली बता दूं इन सब पे विश्वास मत करो। एंड हम बात करते हैं, अब फाइनली बात करते हैं क्या हमारा ओल्ड डेज मतलब ओल्ड फ्री फायर रिटर्न आ रहा है। तो यार कुछ शब्दों में बोलो हाँ और कुछ शब्दों में बोल सकते हैं हम ना, क्योंकि गाइस जो फ्री फायर है अभी आप सर्वे आया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो फ्री फायर है उनने हमने सर्वे में ये पूछा है कि वो है ना कुछ है ना मतलब बनाने जा रहे हैं, यूनिवर्स सा बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो एक मतलब जैसे टीवी शो होते हैं जिसके आप वीडियोस देखते हो उसमें आया, तो मतलब कुछ अलग ही चीज बनाने जा रही है। तो यहाँ पर हम उसमें ये देख पाएंगे कि जो फ्री फायर है मतलब हायाटो उससे लड़ाई कर रहा है, क्रोनो से, क्रोनो किसी और से लड़ाई कर, मतलब कुछ अलग ही चीज, वो हमारे इमोशन ही तो है ओल्ड एज, वो हमें उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड वैसे मैं बताऊं यार ये चीज तो हम ऐसे भी देख सकते हैं पुरानी वीडियो देख के, जिसमें हमको और चीज़ें ओल्ड चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड रियलिटी में बताऊँ तो यार ऐसा नहीं हो सकता है जो फ्री फायर अपने ओल्ड डेज लाए। हाँ अगर फ्री फायर कुछ कुछ चीज़ें ला सकती है, वो ग्राफिक नहीं हटा सकती, वो चीज़ें हटा नहीं सकती,
वो फ्री फायर अब उसका जो क्वालिटी है वो गिरा नहीं सकती है। तो भाई जो भी है उसी में एंजॉय करो, एंड फ्री फायर इंडिया तो आ ही रहा है तो यार उसमें मजे लो यार, अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ खेलो, उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड जो फ्री फायर इंडिया है उसको एंजॉय करना। एंड उसकी डेट भी मैं फिर से बता दूं यार, उसकी डेट हमारा जो है 18-20 तारीख के बीच में आ सकता है फ्री फायर इंडिया। तो यार इतनी टेंशन मत लो, जो भी चेंजेस होंगे या कुछ भी लीक होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।